आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में, साथ ही इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। तेजस मार्क 1A को लेकर अक्टूबर रिव्यू हो चुका है और ये चीज क्लियर है कि इस समय जीई की तरफ से तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर किए गए 99 यूनिट GE F404 इंजन में से एक भी अभी तक डिलीवर नहीं किया गया। रिपोर्ट्स आ रही है कि इन इंजन की डिलीवरी नवंबर में भी नहीं होने वाली है और आमतौर पर दिसंबर में तो US में काम ही नहीं होता है। मोस्ट लाइकली इन इंजन को लेकर जनवरी में कुछ अपडेट मिल सकती है, लेकिन उससे पहले ये डिलीवरी शुरू होती हुई नहीं दिख रही है। नेचुरल है कि इन बार बार बदलती टाइमलाइंस के चलते डिफेंस फैंस के बीच में एंजाइटी बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इंजन्स इवेंचुअली आएंगे ही नहीं। रिसेंटली भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़े हैं और बीच बीच में आपको लगातार US के ऐसे स्टेटमेंट्स आते दिखते हैं जहां पर वो कनाडा के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं और फिर भारत के साथ में MQ-9B वाली डील भी साइन कर लेते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारत में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि US की तरफ से जानबूझकर इन इंजन्स को होल्ड किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये इंजन्स जानबूझकर होल्ड नहीं किए गए हैं, सप्लाई चेन इश्यूज जेन्युइन है। हालांकि पिछले 1.5 साल से GE की तरफ से लगातार कोशिशों के बावजूद इस इंजन की सप्लाई शुरू नहीं की जा सकी है और वो एक्चुअली रेड फ्लैग है। उस हिसाब से अगले 2-3 महीनों के अंदर ये इंजन इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं तो भारत को दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए और पर्सनली मेरा मानना है कि वो चीजें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इंजन के ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो भारत के पास में इस समय बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। देखिए, जब भी आप जेट इंजन की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे मेकर्स हैं जो जेट इंजन बना सकते हैं, जिनमें से 2 US में हैं, प्रैट एंड विटनी और GE, एक फ्रांस में यानी कि सैफरान, एक UK में यानी कि रोल्स रॉयस और एक रशिया में यानी कि यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन। प्रैट एंड विटनी और रोल्स रॉयस के पास में इस कैटेगरी में अभी कोई इंजन है नहीं। और अगर सैफरान की बात की जाए तो उनका भी इंजन प्रपोज्ड इंजन है जो अभी पेपर के ऊपर है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन और GE 2 ही ऐसे मेकर्स हैं जो तेजस मार्क 1A कैटेगरी के इंजन बना सकते हैं। लेकिन रशियन इंजन RD-33 के साथ में भी कुछ परेशानियां हैं और आप सभी ने विकिपीडिया पेजेस पर और दूसरे चैनल्स के ऊपर या फिर यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के कैटलॉग्स में ही इसके थ्रस्ट के नंबर्स देखे होंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये थ्रस्ट के नंबर रशियन कंडीशंस के हैं और जब ये इंजन भारत जैसी कंडीशन में ऑपरेट किए जाते हैं तो इसके थ्रस्ट के नंबर नीचे आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि RD-33 एक ऑप्शन नहीं है, इशू ये है कि अगर RD-33 के साथ में तेजस को ऑपरेट किया जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे आएगी और अगर फ्रांस के साथ में M88-3 को सर्टिफाई कराने की कोशिश की जाती है तो वहां पर भी आपको 2-3 साल का समय लगेगा। यानी कि यहां पर कोई भी इमीडिएट ऑप्शन नहीं है। हालांकि अगर GE की तरफ से अगले 2-3 महीने के अंदर ये इंजन इश्यूज सॉर्ट नहीं किए जाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली सॉल्यूशन ही सही, लेकिन भारत को इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा और उसके साथ में जाना पड़ेगा। वैसे ये एक्सरसाइज इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के साथ में इंजन चेंज किया जाएगा तो नेचुरली इसके एयरफ्रेम, एयर इनटेक और दूसरे सिस्टम्स के साथ में भी थोड़े चेंजेस आएंगे और आपको प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट को दोबारा से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। देखिए, इस समय जिस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मूव कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपना खुद का ऑप्शन डेवलप करना चाहिए और GE का इंजन आता है या नहीं आता है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ दैट भारत को पूरी एनर्जी के साथ में अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को अभी से इनिशिएट कर देना चाहिए। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से कावेरी इंजन को तेजस के ऊपर माउंट करने का अप्रूवल दिया गया था, लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से उस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है क्योंकि LSP एयरक्राफ्ट उनके एयरक्राफ्ट से और वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके LSP एयरक्राफ्ट के साथ में इस समय किसी भी तरीके की छेड़खानी हो क्योंकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से नीचे जा रही है और वो अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को ये चीज भी समझना जरूरी है कि वो प्रोसेस 73 किलो न्यूटन वाले कावेरी इंजन को लेकर था और वो इंजन अगर पूरी तरीके से सर्टिफाई हो भी जाता है तो भी वो तेजस के लिए फिट नहीं है और अभी के लिए ये एक्सरसाइज केवल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर को प्रूव करने के लिए की जा रही है ताकि आगे एक फुल फ्लेज्ड इंजन के लिए अप्रूवल मिल सके। वैसे जो लोग US में वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी को मॉनिटर कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि US के हर एक वेपन सिस्टम के साथ में डिले चल रही है और ये सप्लाई चेन इश्यूज जेन्युइन है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मूव कर रही है उसके हिसाब से भारत को अपने बैकअप प्लान्स रखने पड़ेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।